हाथ जोड़ के वेलकम बैक टू माय चैनल हेलो गाइस हेलो गाइस कैसे हो आप सब कैसे हो सब मैं आपको राइम गा के सुनाऊंगी आपको लाइव गा के सुनाऊंगी टिंकल 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 हवा दे परचू दे अच्छा वो रेन 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 वाली नैन नैन को आप दे का आप दे ना ना बेटे डैडी वांट टू बे नैन नैन को वाव अब आई एम अ जूसी मैन I am a juicy mango, pink, colorful, color in the yellow, healthy food. I am healthy food. I am healthy fruit. अच्छा healthy fruit. आनी यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें आती हैं. अच्छा मछली जल की रानी सुनाएगी? मछली जल की रानी है. जीवन उसका पानी है. हाथ लगो दर्दाई के. पानी में डालो मर जाएगी पानी में डालने से मर जाती है पानी में डालने से मर जाती है हमने तो सुना था जिंदा होती है पानी में डालने से निया के अकॉर्डिंग मर जाती है टेबल उसका पानी है हाथ रखो मर जाएगी पानी में डालो मर जाएगी अब नन्ना मुन्ना वाली नन्ना मुन्ना रायो ठीक रहते बायो बोलो मेरे दे ही दे ही बहुत सारी राइम आती है आजकल उसे इतनी सारी राइम सीख ली है ना हमें सुनाती रहती है पूरा पूरा दिन वैसे अच्छा है बच्चा सीखे तो अभी स्कूल में जाने लगे ना तो उसको अलग अलग चीजें और आ गई है काफी आज स्वागत है फिर से हमारे चैनल में तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल टी डैप का इंजेक्शन लगवाना है हमें सेकंड डोज मेरा है और काफी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे लड़कियां पूछ रही थी दी आपका कौन सा मंथ चल रहा है तो मैं बता दूं 7 मंथ रनिंग है 6 को कंप्लीट हो जाएगा 8 लग जाएगा एंड गाइस मेरे जो पेट है इस बार कंडीशन बहुत अलग है पहले से बहुत अलग है इस बार थोड़ा लंबे में है पिछली बार निया का एकदम राउंडेड था काफी डिफरेंसेस होते हैं पहली से सेकंड प्रेगनेंसी में काफी सारे डिफरेंसेस मैंने खुद ने फील करे तो आगे भी इस बारे में डिस्कस करेंगे तो अभी तो हम हॉस्पिटल चलते हैं ये कौन सा डांस है दोबारा दोबारा गाना मम्मा दुम टक टक टुम टक निया करना बेटा केकड़ा कैसे बनता है ओके हाथ हटा के सी व्हाट्स योर नेम व्हाट्स योर नेम And what's your school name? What school? अरे my school नहीं। तो guys अभी चलते हैं भाई सीधा hospital। मैं अभी gym से आया था। gym से क्या आया था? मैं गया था duty। duty जाने के बाद मैं सीधा घर आया और gym में अभी मैंने नहाया भी नहीं हूँ। और सीधा देखो बॉडी मेरी अभी भी still बहुत अच्छी हो रखी है। रात को मैंने दबा के खाया क्योंकि सोनम ने है ना मुझे demotivate ने मुझे बोला क्या फायदा तेरे ऐसी बॉडी बनाने का पता नहीं इससे मेरी लड़ाई होगी इसने मेरे को इतना डीमोटिवेट करा कि मैं इतना सारा खा गया जो मेरे अच्छे खासे एब्स दिख रहे थे ना वो दिखना रात रात के अंदर बंद हो गए क्योंकि मैंने गुस्से गुस्से में क्या क्या खाया बताना जरा पीनट बटर राइस केक हनी डेट्स तो ये तो अच्छी चीज है ना हेल्थ 2000 कैलोरीज ले गया मैं रात को गाइस मैं जिम में जाके इतनी मेहनत कर रहा हूँ आजकल अपने बॉडी को और एब्स को मेंटेन करने के लिए लेकिन ये लड़की है ना ये जलता है साला मुझसे डंग मैं क्यों जलूंगी 2 महीने बाद मुझे भी यही करना है और डर लगता है कहीं इसके पति को कोई चुरा ना ले जाए भाई सही बता ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है इस चीज का मुझे मेरे पति पे पूरा विश्वास है विश्वास विश्वासी पति कभी कभी विश्वासघात कर देते कलयुग है लौट के तुझे घर ही आना है वही है मतलब कुछ भी करो मतलब लौट के घर ही आना है कहीं ठिकाना नहीं होता तो कुछ दिन मैं खीर खा लूं या चले अपन पक्का पॉमिच करो पापा को पूछ ही दे दो फिर जब दो चलूंगा ये माय लिटिल क्यूटी सब कॉपी करना है आपको है ना जो सब कॉपी करना है जो पापा बोलते हैं मैं गजाऊ अच्छा इसको पता भी है गलत बात होती है मारती भी है ये सारी राइम सीख गए तेरे साथ रह गए इसको आजकल स्कूल में होमवर्क मिलता है और इसकी नई राइम और है इसकी बुक्स के अंदर हिकिटी पिकिटी क्या है वो हिकिटी पिकिटी माय ब्लैक हेल यार लाइट बंद कर दी जल्दी जलाओ थैंक यू आपने जला भी दी ठीक है अब जल्दी से बताओ अपनी गाड़ी कहाँ पर है
कहाँ पर है अपनी गाड़ी? सब पता है उसे, वो हो रही है अपनी गाड़ी। पाउट बनाना, आप पुच्ची वाला पाउट कैसे बनाते हो और स्माइल कैसे करते हो आप? मैम ने बोला है ना, मम्मा ने सिखा रखा है ना आपको, जैसे जैसे तूने इसको पाउट बनाने सिखा रखे ना वैसे वैसे पाउट बनाती है, जीभ निकालती है कि पता नहीं क्या क्या करती है। गाइज हमारे साथ ऐसा ही होता है, हमारा अपॉइंटमेंट था 2:10 का और अभी टाइम ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके हैं। गाइज ये अपनी नानी से इतना प्यार करती है कि नानी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। अभी आपकी नानी को जान से मारूंगा मैं। अच्छा ठीक है, नहीं मारूंगा नानी को। नानी नानी का तो इसका ऐसा सीन है ना, बस नानी के लिए कुछ भी मत बोलो, बहुत इमोशनल। पापा तो अच्छी है ना। पापा अच्छी है। बताऊंगा आपकी नानी को, उसको दिखाना मेरे को। अरे नहीं बताएंगे अभी नानी का गला दबा के मार। नहीं बेटा, नानी गुड गर्ल है मेरे। कह रही नानी को ढूंढते जल्दी से। कहाँ ढूंढोगे बेटा? आती जाती गाड़ियों में देख रही है। कुछ कह रही मम्मा जल्दी से नानी को ढूंढते, नानी गुड गर्ल है। वैसे पता है इस बार क्या हुआ था, मैंने ही बोला था वैसे तो, क्योंकि सामने मेरी मम्मी इस बार ना बिना बताए निया को चली गई, क्योंकि सामने से जाती ना तो निया बहुत रोती और मतलब मेरी प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो जाती, इसलिए मैंने बोला मम्मी इसको बिना बताए आप चले जाओ, इस बार निया को बताए बिना चली गई मम्मी, और तब से ढूंढती है मम्मी को, मतलब इसको सेटल होने में 4-5 दिन लग जाते हैं इसको। निया धक्का मार लिया बंद कर लिया गाड़ी चला रही है, गाड़ी चलाओ। निया घुमा मत देना, देखो मैं बता रही हूँ। हाँ चला रहे हो ना, पकड़ो ऊपर से पकड़ो ऊपर से पकड़ो। हाँ ये निया तो गाड़ी चलाता है, और यहाँ पे निया गाड़ी चलाते हुए खुद से चला लेता है निया तो गाड़ी। देखो हम तो चला ही नहीं रहे, देखो रोड पे और सीट बेल्ट और नहीं लगाता है, इसका चालान और काटेगा पुलिस वाले। मोटा चालान कटेगा निया, एक कहते कि मेरे पापा तो पुलिस है। क्या है आपके पापा? ऐसा लग रहा है निया ही चला रही है पता गाड़ी। ये जो बूस्टर इंजेक्शन लिखा है मुझे लेकर आना है आपको, मैं इसलिए लेकर आया हूँ यहाँ पे है। तो ये लो, अभी आते वक्त लेंगे ना। निया का तो यही सीन है, इसको राज मंदिर लेकर आओ, ये कुछ ना कुछ चीजें उठा लेती है। निया को अभी नो का ना बेबी दिखाना। निया कह दिया आपने? हाँ मैं ले रहा हूँ राइस केक लेने, और बताओ क्या लेना है? हाथ तो भरे हुए हैं सारे। मुझे पकड़ा दो, मम्मा को दे दो, ये फिर ले लेंगे। हाँ ले लेंगे सारे, ले लेंगे, छोड़ भी तो नहीं आए ये लेकर आई हो, ये तो ले तो लिया आपने इतने सारे राइस केक, पापा ने ले लिए इतने सारे राइस केक। निया को तो है ना कहीं पे लेके जाना बेकार है, एक चीज लेने के लिए जाते हैं हम लेकिन ये 4 चीजों के चिपक जाती है, पता नहीं क्या क्या खिलौने उठा के लिए, हर बार जाती है जब नए नए खिलौने चाहिए इसको, और खेलती एक से भी नहीं है और घर पे जाके फेंक देगी। और क्या खाओगे आप? नहीं चॉकलेट नहीं, मसाला डोसा या सांभर वड़ा? निया क्या, देखो निया का होमवर्क करने का टाइम हो गया, मम्मा होमवर्क कराएगी। कौन होमवर्क कराएगा निया आपको? तो अभी सोना मैं ना, निया को होमवर्क कराएगी और इसको कल स्कूल में, और हरियाली तीज अभी आने वाली है तो निया को टास्क मिला है कि इसको एक तो ग्रीन कलर का सूट चाहिए, ऊपर से हरी चूड़ियां चाहिए, तो उसके लिए हम इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। हर फ्राइडे को एक्टिविटी होती है बच्चों का, ये बहुत। हाँ छोटे बच्चों का ना, प्री नर्सरी वाले बच्चों की एक्टिविटी होती है और इनको बहुत मजा आता है बढ़िया बन ठन के जाने में। अब निया तो करेगी मम्मा के साथ पढ़ाई और मैं होमवर्क करने का बहुत क्रेज रहता है, जो मम्मा होमवर्क करेंगे। चलो अभी तो निया स्टैंडिंग लाइन सीख रही है, ठंडा कंट्रोल कलर स्टैंडिंग लाइन कर लेती है।